तू निकल मत जाना, मेरे को लग रहा है निकलेगा। निकल गया। तो आज तारीख है 14 मई, लेकिन ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले से बनाना शुरू कर दिया था, तो अपन उसके हिसाब से चलेंगे। आज तारीख है 12 मई, आज से ठीक 2 दिनों के बाद ईद है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। अभी कोरोना चल रहा है ट्रेंडिंग पर, तो आज उनकी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाया है मैंने, लेकिन ये सारा काम फ्री में नहीं होगा। एक्चुअली इस काम से हम दोनों को फायदा होगा, उनको उनकी जरूरत का सामान मिल जाएगा और मेरे को पैसे, इसकी मुझे अभी बहुत जरूरत है। और शुरू करते हैं अपने आज का मिशन। ये गाड़ी स्टार्ट करने वाला अभी करना था क्या? और शुरू करते हैं अपना आज का मिशन ईद। तो अच्छे बच्चों की तरह मैं भी 2-2 मास्क लगाकर, सैनिटाइजर की बोतल हाथ में लेकर निकल पड़ा अपने घर से। तो मेरे दिन की शुरुआत होती शाम की 6:30 बजे से। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा आने को था, और यही बेस्ट टाइम होता है कि आप गर्मी में अपने घर से बाहर निकलो। अगर दिन में घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो वहाँ कहाँ से पसीना निकलेगा तुमको पता नहीं चलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। शायद अब हो सकता है कि मेरा वीडियो जो है ब्लरी दिख रहा हो सामने अंकल देखते हुए, लेकिन कोई नहीं, अपन हिम्मतवादी, अपन शर्माते नहीं है, फिर भी अंकल देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गया मदारपुरा। मदारपुरा के बारे में एक जरूरी बात आपको बता दूं भाई, यहाँ के लोग बड़े खतरनाक है, तो थोड़ा सा ध्यान से जाना वरना कुछ भी हो सकता है। मदारपुरा में मैंने 2 दुकानों को ऑर्डर दिया, जिसमें से एक दुकान ये थी, दूसरी दुकान का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहां पर मेरी थोड़ी सी फट रही थी। यार सबको लगता है भाई 8,000 का मोबाइल है, 700 रुपए का गिम्बल है, 50-60 रुपए का होल्डर जो कि मैंने दोस्त से जुगाड़ करके लगाया, अमीर आदमी भाई अपन। वैसे मैं अभी आपको बता दूं, अभी टाइम हो रहा है 7:30 या फिर 7 बज रहे हैं। आप सोच रहे हो लॉकडाउन में भी बाहर घूम रहा है, रुको जरा, गालियां देने से पहले ये सुनो, उसके बाद अपने प्यारे से शब्द मुझ पे मानना। कंसोल में लाओगे कि आप हमको 6 बजे से 8 बजे तक अपनी दुकान वगैरह खोल सकते हैं। आई होप कि यहाँ पे लाइसेंस काम है और मेरा फेस आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और पैकेट देने के बाद मैं चल पड़ा अपने अगले ऑर्डर की तरफ। मैं रास्ते से जा रहा था, वीडियो बना रहा था, तभी मुझे कुछ दिखा ये। जब भी आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ के लोगों की सोच पुराने जमाने की है, वहां पर वीडियो बनाने से पहले एक बार पूछ लेना, वरना उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने पूछा था जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। पीछे से अंकल आए, नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा। वो मेरे माथा आ गए, क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो बना रहे हो, क्या कर रहे हो, न्यूज में डाल दोगे, तुम त्यौहार बिगाड़ोगे। फिर अगर आप एक ब्लॉगर हो आपको मीठी मीठी बातें करनी आनी चाहिए, वो वाली बातें नहीं, मतलब लोगों को प्यार से समझाना आना चाहिए। चाचा जान ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, ये तो मैं आपके त्यौहार को प्रमोट करना चाहता हूँ, एक अच्छा लेवल पे दिखाना चाहता हूँ, फेमस करना चाहता हूँ, लोग सेल्फियां लें, ऐसा कर दूंगा। तो उसके बाद अंकल मान गए। उसके बाद मैंने 2-3 दुकानों को और पैकेट दिए, लेकिन उनका वीडियो मैंने नहीं बनाया और इस बार पढ़ने के चांसेस 90% है। वैसे आपकी भीड़ जरा भी नहीं थी, नमाज अदा करके सब घर जा रहे थे, ज्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखा था, मस्जिद के अंदर गए थे तो वहां से उनको निकालना पड़ा। और घूमते घूमते बज गए मुझको 7:30, लेकिन अभी भी मेरे पास 1/2 घंटा बाकी था। अभी आप लोगों की जरूरतों को पूरी करने के लिए निकले हो और आपके खुद के पास पैकेट नहीं है, आप क्या करोगे? और जो सामान तो खत्म हो चुका है, मेरे को अभी दुकान पे जाना है, वहां से भी सामान लेके आना है, घर जाके पैकिंग करनी है, के बाद फिर से मेरे को निकलना मार्केटिंग पे। और मैं चल पड़ा दुकान की तरफ। रास्ते में मेरे साथ कई मजेदार चीजें हुई। अभी पुलिस अंकल गए, मेरे को डर लग रहा था टिका नहीं दे मेरे, ऐसे अपन पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा दूर और जाना है। जब आप कैमरा हाथ में लेके चलते हो ना, फीलिंग अच्छी वाली आती है, फीलिंग गुड, सब कुछ सही चल रहा था, मजा आ रहा था ब्लॉगिंग करने में। लेकिन आखिरी में मेरे साथ हुआ ये। इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया। हाथों से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप पूरे क्लियरली दिख नहीं पाते हो और थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया था। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी से हुई थी, सब कुछ सही जा रहा था, मजा भी बड़ा आ रहा था व्लॉगिंग करने में, लेकिन एंडिंग कुछ ऐसी हुई सोचा नहीं था।
लेकिन कोई नहीं, अगले दिन भी मेरे को वीडियो बनाना था। मैं कैसे बनाता मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग में चल रहा था कि मैं किससे जुगाड़ करूँ किससे जुगाड़। मेरे को नाम याद आया, मेरे दोस्त विकास सेठिया का, जिसको हम छोटू बोलते हैं प्यार से। हेलो, हाँ छोटू, हाँ मैं तरुण बोल रहा हूँ। हेलो, फोन ही नहीं उठाता। हेलो छोटू, अरे तेरे पास वो गिम्बल पड़ा ना, उसका होल्डर चीता यार। क्या आवाज मेरी? हेलो हेलो छोटू, हेलो। सो हे गाइस, के साथ सबको वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो तरुण के ब्लॉग। देर आए दुरुस्त है पर जुगाड़ हो गया। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी मेरे को जाना है दुकान पे, अभी जल्दी जाना। अगर दुकान बंद हो गई ना, मैं वहां से सामान ला नहीं पाऊंगा और फिर लोगों तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। और शुरू हुआ हमारे मिशन ईद का दूसरा दिन, जो कल रात को मेरा काम अधूरा रह गया था दुकान से सामान लाने का। हम गए सबसे पहले सामान लेने। चलो भाई मेरे को मत देखो। तरुण भाई आप में जरा भी अक्कल नहीं है, कोरोना चल रहा हो और आप बाहर घूम रहे हो। चलो भजत। और चलते चलते मैं पहुंच गया, और चलते चलते मैं और चल क्या बोलूं मैं क्या बोलूं और चलते चलते मैं पहुंच गया बस स्टैंड पर। मैंने अच्छे बच्चों की तरह उस दुकान से सामान लिया, सीधे सीधे अपने घर आ गया। बहुत सीधा बच्चा हूँ मैं, इतनी गर्मी में भी घर से बाहर निकलना कोई आम बात नहीं भाई, जिगरा चाहिए उसके लिए भी। उसके बाद मैं पहुंचा अपने घर पे, भरा करता रहे पैकेट वगैरह बनाए, बनाते बनाते मेरे को बज गई 4:30। वो निकल गया फिर से मार्केटिंग पर। आज दूसरा दिन है मुझे घूमते घूमते, उसके बाद मार्केटिंग में बंद कर दूंगा क्योंकि तुमको पता है अभी कोविड चल रहा है। अभी बज रहे हैं 5:30, आज थोड़ा सा लंबा घूमना है तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हमको जाना था खानपुरा। खानपुरा में मुझको 2-3 दुकानों पर ही ऑर्डर देने थे, जल्दी से मैंने उन ऑर्डर को पूरा किया और निकल लिया मैं अपने दूसरे एरिया में। अभी अपने को इस वाले एरिया से जाना है दूसरे वाले एरिया में, जहाँ हम जा रहे हैं वाला एरिया मेरा काफी फेवरेट है और उसका नाम है गुदरी। पर्सनली अगर बताओ ना तो ये एरिया मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि मेरे मार्केटिंग की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। सबसे पहला पैकेट यहीं पे बिका था और यहाँ की गलियां मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको एक ब्लॉगर बनना है तो बेशरम बनना पड़ेगा ऐसे। और इसी विषय पर प्रोफेसर तरुण नामदेव ने एक बात की है, जिसने करी शरम उसके फूटे करम। गुदरी के भी सारे ऑर्डर पूरे करते करते हमको 7:00 पर अभी भी एक एरिया और बाकी था। ठीक है, ये वाला एरिया भी कंप्लीट हो चुका है, आखिरी और फाइनल एरिया बचा है मदारपुरा। चलो और मदारपुरा के भी सारे ऑर्डर हुए कंप्लीट, और ऐसा खत्म हुआ हमारे मिशन ईद का दूसरा दिन। अगर मैं शर्माता या सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे देख रहे हैं क्या बोलेंगे, तो शायद ये वीडियो मैं कभी नहीं बना पाता। लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है आपको बेशरम बनना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। प्रोफेसर तरुण नामदेव ने की थी ये बात, बहुत पहुंचे हुए प्रोफेसर है वो। तो ठीक है, आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है, और सपोर्ट करो। अभी तुम भी जाओ सेवैया खाओ, मजे करो, मैं भी फोन लगा के जुगाड़ करता हूँ सेवैया का, मन बड़ा करता है, फेवरेट है ना। बाय। हेलो हेलो रफीक भाई, हाँ तपेली लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, थोड़ी समय दे देना इसमें। क्या खत्म हो गई? रफीक रफीक भाई, 3 साल से तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, बता रहा हूँ ये सही नहीं है। हेलो फोन फोन काट दिया रफीक भाई।